उत्तर प्रदेश येथील हाथरस येथील घटनेचा एमआयएम पक्षाच्या वतीने निषेध करण्यात येऊन दोषींना फाशी देण्याची मागणी करण्यात आली. उत्तर प्रदेशातील हाथरस इथं सामूहिक बलात्कार आणि खुनाच्या घटनेनं सारा देश हादरलाय. सर्वत्र संतप्त भावना व्यक्त होत आहेत. आरोपींना कडक शासन व्हावं जेणेकरून अशा घटना पुन्हा घडू नयेत असा सूर उमटतोय. गुरुवारी एमआयएम पक्षाच्या वतीनं शहर अध्यक्ष फारूक शाब्दी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात येऊन हाथरस घटनेचा निषेध व्यक्त करण्यात आला आणि आरोपींना फाशीची मागणी करण्यात आली. याप्रसंगी नगरसेवक रियाज खरादी, गाजी जहागीरदार यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. के जो ज्याती जो जुल्म हमारे भारत देश की महिलाओं के ऊपर हो रहा है, इसकी वजह से एक इनसिक्योर माहौल बन गया है हमारे देश की महिलाओं पे, तो उसके ऊपर सरकार कुछ सख्त कानून बनाए और ये जो आरोपी है इन लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए उन्हें फांसी की सज़ा की हम मांग करते हैं, उन्हें फांसी दी जाए. और इसी के साथ साथ वहाँ की जो पुलिस है, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस डिपार्टमेंट है, जिन्होंने इस केस में एकदम ही मैं समझता हूँ कि उन लोग ने एक अपनी क्या बोलते हैं उसको मतलब वो बताए अपना इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बताए हैं, उसको उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए. और मेरी तो ये मांग है कि अब हम लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी.